हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी इन्वेस्टिंग। आज हम प्राइवेट सेक्टर के एक ऐसे दिग्गज शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर में तहलका मचा रखा है और महामारी के बाद से इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छी खासी बढ़त देखने को भी मिलता है और इसका फायदा सभी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी को भी होते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में हम देश के सबसे बड़े प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर में एक अपनी अलग पहचान बना रखा है। शायद आप में से बहुत से लोगों ने इस शेयर का नाम भी गेस कर चुके होंगे। जिन जिन लोगों ने इस शेयर का नाम गेस कर चुके हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम स्टॉक्स रिलेटेड ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर के दिग्गज शेयर HDFC लाइफ के बारे में। HDFC लाइफ देश के सबसे बड़े प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर के दिग्गज कंपनी में से एक है। ये कंपनी देश के सबसे बड़े ग्रुप HDFC के अंदर होने की वजह से ज़्यादा कस्टमर आसानी से जुड़ रहे हैं और जैसे जैसे लोग अपने बाद उनके परिवार का क्या होगा इसके बारे में जागरूक होते जा रहे हैं, महामारी के बाद से लोगों ने इंश्योरेंस और उससे जुड़े लाभ को समझने लगे हैं, जिस कारण से आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए देखा जा सकता है। चलिए इस वीडियो में HDFC लाइफ के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के कारोबार में जुड़ी हुई है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जो इंडिविजुअल और ग्रुप इंश्योरेंस सर्विसेज प्रदान करता है और ये 14 अगस्त 2000 को इनकॉर्पोरेट भी किया गया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। HDFC लाइफ को HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टैंडर्ड लाइफ एवरस्टीन के बीच में जॉइंट वेंचर के रूप में शामिल किया गया है और यह एक इंडियन लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। कंपनी ने 12 अक्टूबर 2000 को बिजनेस शुरू करने का सर्टिफिकेट और 23 अक्टूबर 2000 को लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शुरू करने के लिए IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त किया था। इंडिया में कस्टमर के लिए पेंशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ सॉल्यूशंस, चिल्ड्रन एजुकेशन, वुमेन स्पेसिफिक इनोवेटिव प्रोटेक्शन एंड हेल्थ सॉल्यूशन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। ये कंपनी हायर एंट्री बैरियर क्रिएट करता है और इस कंपनी ने अपना पहला TV एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सर उठा के जियो 2005 में शुरू किया था। ये कंपनी देश के सबसे बड़े ग्रुप HDFC के अंदर होने की वजह से इसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, जिसकी वजह से कंपनी बहुत सारे देश भर में पार्टनर जोड़ पाई है। अभी तक HDFC लाइफ के पास लगभग 275 से भी ज़्यादा पार्टनर देखने को मिलता है, जिस कारण से आने वाले सालों में इसे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को भी मिल सकता है। अब इसके प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात करें तो HDFC लाइफ के प्रोडक्ट में चिल्ड्रन एंड वुमेन प्लान के साथ प्रोटेक्शन, पेंशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हेल्थ जैसे प्लान शामिल हैं और कंपनी एडिशनल प्राइस पर राइडर जैसे ऑप्शनल बेनिफिट प्लान का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडिविजुअल और ग्रुप कैटेगरीज में 5 सेगमेंट को कवर किया हुआ है। पहला नेमली पार्टिसिपेटिंग, दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोटेक्शन टर्म, तीसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोटेक्शन हेल्थ, चौथा अदर नॉन पार्टिसिपेटिंग, पांचवा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। कंपनी के पास प्रेजेंट में 37 रिटेल एंड 11 ग्रुप प्रोडक्ट हैं, साथ ही 6 ऑप्शनल राइडर बेनिफिट भी हैं। कंपनी अपने कस्टमर को डिफरेंट टाइप के प्लान प्रोवाइड करती है, जैसे प्रोटेक्शन प्लान, टर्म प्लान, यूलिप प्लान, हेल्थ प्लान, सेविंग प्लान, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान एंड वुमेन प्लान। चलिए अब एक एक करके इन प्लान के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है प्रोटेक्शन प्लान। प्रोटेक्शन प्लान में किसी भी अनफोर्सीन इवेंट में फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड नंबर में है टर्म प्लान। टर्म प्लान सिर्फ एक डेड बेनिफिट प्लान है और यह एक लाइफ कवर प्लान है जो डिफाइन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। थर्ड नंबर पर है यूलिप प्लान। यूलिप प्लान ऑनलाइन यूनिट लिंक्ड प्लान है। ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न और फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी देता है। फोर्थ नंबर पर है हेल्थ प्लान। हेल्थ रिलेटेड कॉन्टीजेंसीज नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ नंबर पर है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। यह प्लान फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करने के लिए मदद करता है।
6 नंबर पर है रिटायरमेंट प्लान, ये आपके रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। 7 नंबर पर है चाइल्ड प्लान, यह प्लान आपके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करता है। लास्ट में है वुमेन प्लान, वुमेन प्लान महिलाओं के डिफरेंट फाइनेंशियल नीड को पूरा करने वाली योजनाएं हैं। HDFC लाइफ के की पॉइंट्स की बात करें तो HDFC लाइफ ने HDFC और एक्सटेंडर लाइफ एबरडीन के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है। HDFC लाइफ में सबसे ज्यादा मार्जिन एक अवधि के दौरान जारी की गई नई पॉलिसीज पर है। HDFC लाइफ ने अपनी पॉलिसीज को बेचने के लिए 270 पार्टनर्स के साथ टाई अप किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और HDFC लाइफ प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में टॉप 3 प्लेयर में से एक रहा है। अब इसके की फीचर्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 1,19,862 करोड़ का है। इसका बुक वैल्यू 73.9 रुपीस का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10.9% का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीस का है। इसका अर्निंग पर शेयर 6.68 रुपीस का है। इसका पी रेशियो 85.36 रुपीस का है। इसका पीवी रेशियो 7.8 रुपीस का है। अब इसका सेल्स ग्रोथ -18% का है। 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 20% का है। 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ 17% का है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ 17% का है। 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 4% का है। 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 8% का है। और इसकी करेंट प्राइस 567 रुपीस का है और कंपनी के पास 1,375 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी है। अब इसके प्रोस की बात करें तो यह कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी ने 19% का हेल्थी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है। यह स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 7.3 टाइम्स से हाई ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 ईयर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में 23% की कमी की है। अब इसके सेल्स की बात करें तो 2019 में 37,857 करोड़ का, 2020 में 42,433 करोड़ का और 2021 में 51,884 करोड़ का सेल्स करता है। और वहीं 2020 में 64,670 करोड़ का सेल्स करता है। अब इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 1,278 करोड़ का, 2020 में 1,297 करोड़ का और वहीं 2021 में 1,361 करोड़ का नेट प्रॉफिट करता था और वहीं 2022 में 1,327 करोड़ का नेट प्रॉफिट करता है। अब इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 2019 में 3.58% का, 2020 में 3.06% का और 2021 में 2.62% का नेट प्रॉफिट मार्जिन कमाता था और वहीं 2022 में 2.05% का नेट प्रॉफिट मार्जिन कमाता है। चलिए अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 51.52% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 4.82% की, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 27.66% की और रिटेल इन्वेस्टर के पास 13.90% की होल्डिंग है। लास्ट 3 ईयर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में 23% की कमी की है और टॉप म्यूचुअल फंड ने भी इस स्टॉक पर इन्वेस्ट किया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने बिजनेस को डिजिटल की तरफ ट्रांसफर किया है, जिसके लिए कंपनी को डिजिटल CCD कस्टमर कंसेंट डॉक्यूमेंट लागू कर रहा है। इससे कंपनी कस्टमर का वेरिफिकेशन ऑनलाइन के साथ बहुत सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक ही हो जाता है। इससे कस्टमर को पेपर वर्क से छुटकारा मिल गया है और बहुत ही आसानी से घर बैठे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा ले पाता है। साथ ही कंपनी अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहा है, जिससे कंपनी को आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब इसके अचीवमेंट की बात करें तो HDFC लाइफ ने 2020-2021 के वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ से अधिक लोगों का बीमा किया था और इस कंपनी को सुपर ब्रांड 2021 से सम्मानित भी किया गया है। HDFC लाइफ को एजिस ग्राहम बेल अवार्ड भी मिल चुका है। HDFC लाइफ को 10वीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में भी सम्मानित किया गया है। HDFC लाइफ को क्लिक टू प्रोडक्ट बेस्ट टर्म प्लान ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया था। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 38,583 करोड़ का एनुअल प्रीमियम दर्ज किया है।
2020-2021 के IRDAI के रिपोर्ट के अनुसार HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.01% है, जो काफ़ी अच्छा है। एक एग्जांपल से क्लेम सेटलमेंट रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। यदि बीमा कंपनी को 100 डेथ क्लेम मिलते हैं, उनमें से 96 का सेटलमेंट करता है, तो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96% होगा। अब इसके क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो की बात करें तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट अमाउंट रेशियो 93% होता है। अब बात करते हैं क्लेम रिजेक्शन रेशियो के बारे में। किसी भी कंपनी का क्लेम रिजेक्शन रेशियो 1% से कम होना चाहिए। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रिजेक्शन रेशियो 0.43% है, जो काफ़ी अच्छा है। अब कंपनी के क्लेम रिजेक्शन अमाउंट रेशियो की बात करें तो किसी भी कंपनी का क्लेम रिजेक्शन अमाउंट रेशियो 4% से कम होना चाहिए और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम रिजेक्शन अमाउंट रेशियो 3.63% है। भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में बहुत मार्केट है। भविष्य में ये इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है और लोग अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए और इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंट के प्रति धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और आने वाले समय में नए नए लोग नए नए इंश्योरेंस प्लान लेते नज़र आ सकते हैं, जिसका फ़ायदा इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को हो सकता है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टॉप 3 प्लेयर में से एक है। HDFC लाइफ अपने प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है। HDFC लाइफ कंपनी ने अपने बिजनेस को डिजिटल की तरफ ट्रांसफ़र किया है। साथ ही कंपनी अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रही है, जिससे कंपनी को आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक का। और आप भी ऐसे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, तो आप भी अपना डीमैट अकाउंट जिरोधा में ओपन करवा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।